गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर टू पॉलिनोमियल के आज हम थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 और 2.3 आपको मेरे लिंक में नीचे मिल जाएगी। 2.3 बहुत छोटी एक्सरसाइज और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया है और पूछा जाएगा कि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए, फाइंड द रिमाइंडर, दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन पॉलिनोमियल इज पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, प्लस थ्री एक्स प्लस वन। इसको आपको डिवाइड करना है एक्स प्लस वन से, फर्स्ट पार्ट में एक्स प्लस वन से, यानी इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है और आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसका सबसे आसान तरीका है, पुट दिस इक्वल टू जीरो, सपोज दिस इज इक्वल टू जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, पुट एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। यानी कि जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है रिमाइंडर निकालने के लिए, जिस पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना है उसको इक्वल टू जीरो करके पहले एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए और इस पॉलिनोमियल को जिसको डिवाइड करना है उसकी वैल्यू माइनस वन पे निकाल लीजिए। यानी जो भी आपकी एक्स की वैल्यू आई है उस पर आप पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लीजिए। दिस इक्वल टू माइनस वन का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस वन प्लस वन। माइनस वन को तीन बार करेंगे मल्टीप्लाई, दिस विल बी माइनस वन प्लस माइनस वन इंटू माइनस वन दैट इज प्लस वन, दैट इज थ्री इंटू वन प्लस माइनस माइनस थ्री प्लस वन। दिस विल बी इक्वल टू माइनस वन प्लस थ्री माइनस थ्री प्लस वन। ये कट गया, ये कट गया, इक्वल्स टू जीरो। द रिमाइंडर इज, रिमाइंडर इक्वल्स टू जीरो। जो आपके पॉलिनोमियल की x की वैल्यू वो पुट करने पे आएगी वही उसका रिमाइंडर होगा। सेकंड पार्ट, इसी पॉलिनोमियल को जब हम सेकंड केस में x माइनस वन बाई टू से डिवाइड करेंगे, सेकंड केस इज x माइनस वन बाई टू, तो सिंपली यू हैव टू पुट दिस इक्वल्स टू जीरो। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू जीरो प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p 1/2। जैसे हम पहले एक्सरसाइज में इससे पहले कर रहे थे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे उस पर, तो उसी तरह से यहाँ x की जगह सब जगह जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ सब जगह आपको क्या लिखना है, 1/2। तो 1/2 रखेंगे, दैट इज 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2, 2 का 4, 2 का 8 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2 टू का 4 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 ले लीजिए। इसका एलसीएम लेंगे पूरे का, दैट इज 8, 8 की टेबल यूनिट 1 प्लस 4, 2, 3 टू का 6 प्लस 2, 4 का 4, 3 का 12 प्लस 8। दिस विल इक्वल टू ऐड करेंगे ऊपर 12, 20, 26, 27, 27 अपॉन 8 विल बी your remainder when we divide the given polynomial by x minus 1/2। दोबारा समझ लीजिए क्या करते हैं, जो भी आपको polynomial से divide करना दिया है उसको जिससे भी divide करना है उसको equal to zero करके find out the value of x और फिर simply जहाँ x आ रहा है वहाँ वो values put कर देते हैं जो भी values आ रही हैं। जैसे 1/2, 1 का cube 1, 2 to the 4 to the 8, 3, 1, 2 to the 4 plus 3 upon 2 plus 1। अब इस पूरे नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे 8, तो एलसीएम 8 आएगा, 8 एलसीएम ले लिया तो फिर 1 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 8, 8 4 की टेबल यूनिट 2 टाइम्स, 2 3 था 6, 2 की टेबल यूनिट 4 टाइम्स, 4 3 था 12 और 1 की टेबल यूनिट 8 टाइम्स, 8 वन था 8। अब इसको ऐड किया 12, 8, 26, 26, 27 बाई 8। नेक्स्ट इसका पार्ट है एक्स, यू हैव टू डिवाइड दिस बाय एक्स, पुट दिस इक्वल टू जीरो, इट मींस इक्वल टू जीरो।
पुटिंग एक्स इजिकल टू जीरो यू हैव टू फाइंड पी जीरो इजिकल टू जीरो क्यूब प्लस थ्री इंटू जीरो स्क्वायर प्लस थ्री इंटू जीरो प्लस वन, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस वन, रिमाइंडर शुड बी वन, रिमाइंडर आपका क्या आएगा वन। नेक्स्ट पार्ट डी, एक्स प्लस पाई से डिवाइड करना है आपको, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसको जीरो करेंगे, दिस इज एक्स इजिकल टू माइनस पाई, दिस विल इक्वल टू पी माइनस पाई इक्वल्स टू माइनस पाई का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस पाई प्लस वन, माइनस पाई का क्यूब दैट इज माइनस पाई क्यूब प्लस पाई स्क्वायर दैट इज थ्री पाई स्क्वायर माइनस थ्री पाई प्लस वन। आप चाहें तो यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं और नहीं तो पाई की वैल्यू 22/7 आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पाई दी हुई है इसलिए आप पाई में दे सकते हैं इसका आंसर, दैट विल बी द रिमाइंडर। एंड द लास्ट पार्ट दैट इज ई, फाइव प्लस टू एक्स, फाइव प्लस टू एक्स, पुट दिस इक्वल्स टू जीरो, दिस इज टू एक्स इक्वल्स टू माइनस फाइव एंड एक्स विल बी इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू। Now you have to find out the value of p minus 5 by 2. Put x is equal to minus 5 by 2. In place of x, we have to put minus 5 by 2 plus 3 times minus 5 by 2 square plus 3 times minus 5 by 2 plus 1. Now 5 for 3 times multiply again. This is 5 5 is 25, 5 is 125, and this is 2 to the 4 to the 8. Mind plus 3 into 5 5 the 25 and 2 to the 4 plus minus minus 3 5 the 15 upon 2 plus 1. This will be equal to 8 LCM ले लिया हमने, simple, this is minus 125 plus 4 to the 8 2 5 the 25 to the 50 53 the 150 minus 2 के टेबल में 4 टाइम्स 15 फोर 60 प्लस 8, दिस विल बी इक्वल टू कितना आएगा 150 माइनस 125 दैट इज 25 माइनस 60 प्लस 8 अपॉन 8 इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया 60 और 33 7 5 2 20 माइनस 27 अपॉन 8। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर वन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, तो ये पी एक्स की वैल्यू है, सिंपल एक्स माइनस ए इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स एक्स इजिकल टू ए, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू ए माइनस ए, दिस विल इक्वल टू ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस सिक्स ए माइनस ए, दिस विल इक्वल टू सिक्स ए माइनस ए इज फाइव ए। क्वेश्चन नंबर थ्री, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x, फ्रॉम दिस वी विल गेट 7 प्लस 3x इक्वल्स टू 0, इट मीन 3x इज इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 3 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ 3x। Now you have to find out p minus 7 by 3 equals to 3 into minus 7 by 3
होल क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7 बाई 3। इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन डू इट इजीली। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।